नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जेनिफर एनिस्टन और शोन्डा रिमेज जैसी कई हॉलीवुड एलिस एक्ट्रेस ने काम की जगह पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट से निपटने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। टाइम्स अप नाम के इस कैंपेन में ऐसी महिलाओं की मदद के लिए $13 मिलियन की सहायता राशि भी रखी गई है जिन्हें वर्क प्लेस पर हुए हैरेसमेंट के कारण जॉब छोड़ना पड़ा। ये महिलाएं इस कैंपेन की मदद से खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। खैर, हैरेसमेंट तो हैरेसमेंट होता है, फिर चाहे वे वर्क प्लेस पर हो या फिर पब्लिक में। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ वर्क प्लेस के मामले तो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पब्लिकली इनके साथ छेड़छाड़ के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस पैकेज में डालते हैं ऐसे ही कुछ मामलों पर एक नज़र। 2013 में एक इवेंट के दौरान करीना कपूर को छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा था। दरअसल इवेंट खत्म होने के बाद करीना बाहर आ रही थी, तभी भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान करीना घबरा गईं। बाद में बाउंसर्स ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। बात 2005 की है। कैटरीना कैफ साउथ कोलकाता की एक दुर्गा पूजा कमेटी के फंक्शन में शामिल होने गई थीं। इवेंट पूरा होने के बाद भीड़ के कुछ लोग उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को हटाते हुए करीब पहुंच गए और उनके साथ छेड़खानी करने लगे।